नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों ये प्रेस आयरन है, ये हीट नहीं हो रहा है, लाइन में लगाने के बाद ये हीट नहीं हो रहा है, तो मैं इसका कंटिन्यूटी आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कंटिन्यूटी जो है नहीं मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे कंटिन्यूटी अगर मिलता तो ये हमारा आयरन जो है हीट होता, पर कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है और ना ही हीट हो रहा है। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, और इसको खोलने के लिए यहाँ पे एक बोल्ट है, तो ये बोल्ट को खोलना है। तो इसको खोलने के बाद में देख सकते हैं कि ये एलिमेंट का जो है एक लेग जो है यहाँ से छूटा हुआ है। तो पहले हम इसको बाहर कर लेते हैं, इसके बाद में चेक करते हैं कि एलिमेंट जो है ठीक है कि नहीं। तो इसको भी यहाँ से खोल लेते हैं। तो इस तरह से इसको खोल के जो है अलग कर लेना है, और ये एलिमेंट को देखना है कि ये यहीं से दिक्कत है या अंदर भी ये कटा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एलिमेंट जो है ठीक है, यहाँ से कट गया था। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये बहुत ही ढीला है और ये टाइट है, तो इसको भी इसी तरह टाइट करना है। तो और इसको खोलना होगा और देखना होगा कि यहाँ पे किसी तरह का चीनी मिट्टी का वाशर जो रहता है वो ठीक है या टूट गया है। तो ये हैंडल को निकालने के लिए यहाँ पे स्क्रूप है, ये स्क्रूप को जो है खोलना पड़ेगा। तो ये स्क्रूप को खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीनी मिट्टी का जो सॉकेट होता है वो टूट चुका है, और यहाँ पे कोई ये कागज दे करके इसको टाइट किया था। तो सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं। और दोस्तों ये जो यहाँ का सॉकेट टूटा हुआ है, इसके जगह पर इस तरह का सॉकेट लगाना है ऐसे। तो ये सॉकेट को लगाने के लिए इसको हल्का सा तोड़ना होगा, ये ज़्यादा बड़ा है, तो इसको तोड़ने के लिए इसको खोलना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस तरह इसको हमने छोटा कर लिया तोड़ के, अब इस तरह से बैठाएंगे और ये ऐसे बैठाएंगे तो ये बैठ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये पूरा टाइट हो गया है, और अब जो है ये दूसरा सॉकेट है, ये दूसरा सॉकेट भी इसमें लगा लेना है।
तो देख सकते हैं कि ये दोनों लेग जो है हमारा जो है ठीक हो गया। और दोस्तों मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि ये अभी डायरेक्ट है, ये स्विच से कनेक्शन नहीं है, वो पहले से ही ये डायरेक्ट था, तो हो सकता है कि ये स्विच ख़राब होगा, तो मैं भी इसको डायरेक्ट ही कर दिया हूँ। तो ये स्विच का कनेक्शन यदि करना हो तो एक वायर को यहाँ से कटिंग करके स्विच का दोनों पॉइंट पर आप जोड़ सकते हैं, तो मैं अभी इसको डायरेक्ट ही रहने देता हूँ। तो ये हमारा हैंडल भी लग गया। और इसको क्या करना है, ये पत्ती को इस तरह से कोई भी वायर ले लेंगे और यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन कर लेना है, इसको लपेट देना है। देख सकते हैं इस तरह से वायर को लपेट देना है और यहाँ पे ये जो दो पॉइंट है ये दोनों में जो है कसना है। और ये कनेक्शन हमारा हो गया कंप्लीट। अब जो है इसमें मैं लाइन देने वाला हूँ और लाइन देके चेक करते हैं कि ये हीट होता है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये हीट हो चुका है, देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करें। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लें, वहाँ भी मैं अच्छे अच्छे पिक्स पोस्ट करता हूँ और आपकी मदद करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।